नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार सरकार को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब बिहार में चौथे आधारित गणना हो सकता है। बता दें आपको कि बिहार सरकार की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ऐसे में अब सियासी गलियारों से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है और ऐसे में बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव दोनों इस फैसले का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं एक दूसरे को धन्यवाद भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि लालू प्रसाद यादव चाहते थे कि बिहार में जाति आधारित गणना हो और आज जो हाईकोर्ट से फैसला आया है उसका स्वागत कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव। जो वीडियो आपको हम दिखाने जा रहे हैं वो वीडियो पटना एयरपोर्ट की है, जहां पर बता दें आपको कि बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव अपने पूरे परिवार समेत दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। इस क्रम में उन्होंने जाति आधारित गणना को लेकर क्या कुछ बयान दिया है, पहले आपको हम वो सुनाते हैं। देखिए, जो जाति आधारित गणना पे जो आज माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है, ये स्वागतपूर्ण है। ये बिहार की जनता की जीत है और ये बिहार हित में ये फैसला लिया गया है। जो फैसला, जो निर्णय महागठबंधन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी और राष्ट्र अध्यक्ष लालू जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने लिया था कि सरकार बनेगी तो जाति आधारित गणना यानी कास्ट बेस्ड सर्वे हम लोग कराने का काम करेंगे। लगभग 80% से ज़्यादा काम हो रखा था। बाद में भाजपा के कुछ लोगों ने मिलजुल करके साजिश रचने का काम किया और इसके बाद स्टे लगा। तो आज जो फैसला आया है इससे बिहार के लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। खासतौर पर हर जाति में हम लोगों का मानना है, हर जातीय में गरीबी है और ये जाति आधारित गणना केवल जातियों की गिनती ही नहीं बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी जो है बताने का काम करेगी। तो सरकार को उन लोगों के लिए योजना बनाने में काफ़ी मददगार होगी। जो लोग रिक्शा चलाते हैं, जो लोग मजदूरी करते हैं, जो लोग भूमिहीन लोग हैं, जो नाला का सफाई करते हैं, जो लोग भीख मांगने का काम करते हैं, ऐसे जो गरीब हैं उनकी गरीबी का पता करके हम लोग जो है उनके लिए योजना का बना करके उनके लिए काम करेंगे। और आप सब लोगों को पता था इसको लेकर के हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग प्रधानमंत्री से भी मिलने गए थे, क्योंकि बिहार सरकार या राज्य की सरकारें सेंसेस नहीं करा सकती हैं, कास्ट सेंसेस नहीं करा सकती थी, इसलिए हम लोग सर्वे करा रहे हैं। अब तो हम लोगों की मांग होगी कि देश भर में जो है जातीय गणना जो है वो करानी चाहिए ताकि देश के लोगों को जो है फायदा हो। बीजेपी के लोग जो है अब पूरी तरीके से हताश है, क्योंकि जो कोर्ट का जो निर्णय आया है इस पर महागठबंधन सरकार का जो निर्णय है उस पर मोहर लगाने का काम किया। तो इसलिए हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, आदरणीय लालू जी जिन्होंने लगातार शुरुआती दौर से ही संघर्ष किया, पार्लियामेंट में नेता हैं जिन्होंने पहली बार इस बात को उस समय उठाने का काम किया था। तो इससे हम सब लोग जो है सरकार उन गरीबों के लिए उन लोगों के लिए काम करेगी। अब साइंटिफिक डाटा होगा तो सहूलियत होती है काम करने। भारतीय जनगणना जाति आधारित जनगणना का आज जो फैसला हुआ है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, ये स्वागत योग्य है और हम स्वागत करते हैं। ये सिर्फ फैसला नहीं है, गरीबों के पक्ष में ये फैसला है। अब गरीबों के रास्ते राह खुलेंगे, उनका सर्वेक्षण होने के बाद उनकी स्थिति का पता लगेगा, आर्थिक स्थिति क्या है और उस आधार पर सरकार उनके लिए योजना बनाएगी, विकास के रास्ते खुलेंगे। तो हम लोग स्वागत करते हैं, अब गरीबों के रास्ते खुल गए। मुख्यमंत्री को विपक्ष की जो बैठक होने जा रही है, मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं, तेजस्वी यादव को धन्यवाद देते हैं जो काफ़ी मेहनत किए। विपक्ष की जो बैठक होने जा रही है लालू जी वो कितनी सशक्त होगी? इंडिया का बैठक होने जा रहा है, इंडिया का, उसमें भी हम जा रहे हैं हम लोग। और एक बात, कोई 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 कोई
नई बात नहीं है, आप लोगों को हम थोड़ा याददाश्त दिला दे, याद नहीं होगा पहले 9000 करोड़ बोलते, फिर 600 करोड़ बोला, अब 6000 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच, जो अटैच 6 करोड़ की, यानी आप 6 करोड़ पे आ गए, तो 9000 से 600 से ये लोग 6 करोड़ पे आ गए। इससे पहले भी हम लोगों की कोई भी संपत्ति दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो है ऑनलाइन जा करके देख सकता है, पहली बात, और उसी में से जो है अटैच किया है, और पहले कोई अटैचमेंट नहीं हुआ, इससे पहले भी बेनामी में अटैचमेंट हुआ था, बेनामी का हम लोग जीत के आए, किसी को पता ना हो बेनामी हम लोग जीते, और जीत करके फिर आए, तो इन लोगों के सामने और उपाय क्या है, इन लोग का यही काम था, और हम लोग तो जान ही रहे थे ना, जो अभी एक्सटेंशन हुआ है तो यही सब चीज़ें होती रही, और कैसे काम किया जाए। विपक्ष की बैठक में जा रहे हैं, अभी अभी बॉम्बे में होगा विपक्ष का बैठक में होगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव को सुन रहे थे आप, दोनों एक दूसरे को धन्यवाद देते हुए नजर आए। वहीं तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी धन्यवाद देते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो चाहते थे कि बिहार में जाति आधारित गणना करवानी चाहिए, और आज जो न्यायालय का फैसला आया है वो हम लोगों के हित में आया है, बिहार के हित में आया है। बताते चले कि उन्होंने कहा कि अब गरीबों के लिए काम आएगा, जो ऐसे वर्ग है जो योजनाओं से वंचित रहते हैं, अब उन सबको लाभ दिया जाएगा जाति आधारित गणना की वजह से। जी हां, बता दें आपको कि वही लालू प्रसाद यादव ने भी इस फैसले का स्वागत किया और कहा है कि अब गरीबों की मदद की जाएगी, हम लोग सारा जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं वो सारे खंगालेंगे, और जो लोग वंचित है योजनाओं से उन सब तक लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। ये कहते हुए नजर आए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे सुना आपने। तो फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही, तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।